गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग यू ऑल। हाउ आर यू, कैसे आप सब, जरा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो। सो आई होप ऑल आर गुड। गुड मॉर्निंग शिबू, फौजिया शेख, दीपक, सिमरन एंड ऑल, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जुड़ जाइए फटाफट से सेशन में, और आई होप सभी लोग अच्छे हैं और हेल्दी हैं। हाँ, सेशन को बराबर से आप लोग शेयर भी करा करिए, जिससे और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़ पाए। सेशन का देखो मज़ा तभी आता है जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं और इंटरेक्शन हमारा बढ़ता है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और इसी सेशंस को, इन सीरीज़ को आगे नेक्स्ट वीक भी, अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट वीक भी इसको कंटिन्यू किया जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आर दीज लेक्चर्स हेल्पफुल फॉर यू गाइज और नॉट। गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट से बात करता हूँ, चाहे वो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हों, चाहे फिजिकल, चाहे केमिकल साइंस के, तो उनको यही प्रॉब्लम है कि सर पार्ट ए को कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि पार्ट ए के लिए बहुत से स्टूडेंट के मन में दिक्कत होती है, कहते सर पार्ट बी और पार्ट सी ये तो हम करेंगे ही समय लगा के, लेकिन पार्ट ए को किस तरह से इन बी और सी पार्ट के बीच में मैनेज करें। ठीक है, तो इसके लिए एक जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि पार्ट ए को किस तरह से मैनेज करा जाए और कितना समय दिया जाए। ठीक है, तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, पार्ट ए को छोड़ना नहीं है पहली बात तो, साथ ही साथ पार्ट ए को किस तरह से स्मार्ट वे में करना है, क्योंकि करना तो है ही, देखो छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चन करने हैं, और 15 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए फिर तो, यानी कि आप इस माइंड से जाओगे 15 क्वेश्चन छोड़ ही देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पार्ट एक तरह से आपके पास स्कोर बूस्टर का काम करता है। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट से आपको अलग खड़ा करके एक अच्छी रैंक दे देगा। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट से। हाँ, हम जो पिछले दो क्लासेस में मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, आपका जो ये सेम सेशन आपका प्रीमियर होता है रात में बाकी चैनल्स। ठीक है, तो बताइए स्टार्ट करा जाए सेशंस को फटाफट से, यहाँ पे लिखें सर रेडी, तो फिर सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए। तो दो क्वेश्चन, यानी कि एक कल क्वेश्चन मैंने एक आपसे पूछा था और एक डे बिफोर यस्टरडे, दो सवालों के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज के टॉपिक पे आएंगे। बताएं, बताइए भाई फटाफट से, आर यू रेडी? ओके, तो ये सवाल मैंने दिया था आप लोगों को, ये किस किसने कर लिया था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मैंने देखा था यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर किया है। ये सवाल पूछा गया था, इसको पहले देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 44 प्लेयर्स 26 प्ले हॉकी, 24 प्ले फुटबॉल एंड 24 प्ले क्रिकेट। यानी कि टोटल 44 प्लेयर्स थे, जिसमें से 26 हॉकी खेल रहे हैं, 24 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और 24 लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 8 ऑफ देम प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। 8 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों गेम खेल रहे हैं भाई, 12 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो कि तीनों के तीनों गेम खेलते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हमको तीन गेम्स के बारे में बात करी गई है, हॉकी, फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, तो यानी कि हमको एक वेन डायग्राम बना लेना चाहिए, तीन सर्किल को लेके हमको एक वेन डायग्राम बना लेना चाहिए, लाइक दिस। दिस इज फॉर हॉकी, दिस इज फॉर फुटबॉल एंड दिस इज फॉर क्रिकेट, राइट? अब जरा ध्यान से देखें, कह रहा 44 प्लेयर्स हैं भाई, 24 26 हॉकी खेलते हैं, 24 फुटबॉल खेलते हैं
एंड 24 हमारे यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले लोग। 8 प्ले बोथ द हॉकी एंड फुटबॉल, 12 प्ले बोथ फुटबॉल क्रिकेट एंड 5 प्ले ऑल द थ्री गेम्स। देखो पांच लोग ऐसे हैं जो कि सारे के सारे गेम खेल रहे हैं, ऑप्शन बी आ रहा है। ओके अभी देख लेते हैं भाई, ये बात समझ में आती है इतनी। अब आगे कह रहा है 8 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं भाई, 8 लोग हैं। इन 8 में से ऑल वाले कितने हैं, सारे के सारे गेम खेलने वाले 5 लोग। तो अगर मैं पूछूंगा ओनली हॉकी एंड फुटबॉल वाले कितने होंगे, तो आप बोलोगे 8 - 5 यानी कि 3, सिंपल। वैसे ही 12 लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं पूछूंगा ओनली फुटबॉल और क्रिकेट वाले बताओ, यू हैव टू टेल ओनली फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो आप बोलोगे 12 - 5 यानी कि 7, सिंपल। ठीक है आगे, अब एक एक करके बात करते हैं, पूछा क्या है, हाउ मेनी प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट वाले कितने हैं, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। इसको मैं अगर एक्स मान लूँ तो पूछ रहा है हॉकी और क्रिकेट वाले कितने, कैसे करें भी बताइए एनीवन। क्या मैं यहाँ से हॉकी वाले निकाल सकता हूँ कि ओनली हॉकी वाले कितने लोग हैं, क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो कि ओनली फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ओनली फुटबॉल वाले लोग मैं निकाल सकता हूँ इजीली, तो बताइए किस किस का आंसर आ गया। ऐसे ही किया होगा, फटाफट से बताएं। सबसे पहले देखो ओनली फुटबॉल वाले आप यहां से लोग निकाल सकते हो कि केवल और केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने लोग, तो केवल फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे, टोटल जितने हैं 24, ठीक है। इसमें से ये सारे लोग 3, 5 और 7, ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ओनली फुटबॉल वाले आ जाएंगे, यानी कि 7 और 3 10, 10 और 5 15, यानी कुल मिला के 9 लोग हो गए हमारे फुटबॉल वाले ओनली फुटबॉल। अब जरा ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ओनली क्रिकेट वाले बताओ, ओनली क्रिकेट वाले, तो आप क्या करोगे, टोटल क्रिकेट वालों में से टोटल क्रिकेट वालों में से ये 7 और ये 5 माइनस कर दोगे यानी कि 12, तो बच्चे कितने भाई 12। ये जो 12 लोग हैं, ये 12 लोग ओनली क्रिकेट वाले भी हैं एज वेल एज हमारे हॉकी क्रिकेट वाले भी हैं, बात समझ में आता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा नंबर 12 - x, यस और नो, दिस विल बी 12 - x। एंड ओनली हॉकी वाले अगर मुझे निकालने हैं तो टोटल हॉकी वाले में से ये 3 और ये 5 यानी कि कुल मिला के 8, ये माइनस कर दूंगा यानी कि 18, तो ओनली हॉकी वाले आ जाएंगे 18 - x, क्लियर। अब क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे उनका जो सम है वो 44 के बराबर रख दो, ठीक है सारे के सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका सम 44 के बराबर रख दो और x का वैल्यू यहां से निकाल लो, सिंपल। ओनली हॉकी वाले कितने हैं भाई 18 - x, ओनली क्रिकेट वाले कितने हैं 12 - x, फुटबॉल वाले कितने हैं 9, और ये 3, ये 7 और ये 5, कितना हुआ ये 15 और प्लस x, यानी कि सभी को प्लस करना है और कुछ भी नहीं, 15 + x, सभी का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 44, ठीक है 44 के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, करिए इसको सॉल्व, तो बताइए कितना आ रहा है। अगर आप देखोगे यहां से दिस विल बी x और x तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा माइनस का x, और दिस विल बी 18 + 12 यानी कि 30, बेसिक कैलकुलेशन है, 30 ये हो गया, 30 और 15 45, 45 और 9 54, ठीक है एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेना। तो दिस विल बी -x, ये हो जाएगा 44 - 54 यानी कि माइनस का 10, एंड दिस विल बी 10, तो यहाँ से x का वैल्यू देखो 10 आ रहा है। अपना अपना आंसर बताओ कितना आ रहा आप लोगों का, x का वैल्यू तो यहाँ पे 10 आ रहा है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बताएं फटाफट से। वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी प्ले
बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक है। तो एक सेकंड, देखो आंसर, देखो ये देखो, मैंने गलती करी है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है? सवाल को ढंग से पढ़ने में मिस्टेक करी है। मैंने यहाँ तक तो कर लिया, उसके बाद भी आंसर गलत कर दिया, तो फायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट ओनली नहीं कह रहा है। अगर ओनली बोलता तो केवल और केवल एक्स वाली टर्म के बारे में बात करता, लेकिन सवाल कह रहा है हॉकी एंड क्रिकेट, तो हॉकी एंड क्रिकेट वाले यहाँ भी आ रहे हैं लोग, और ये ऑल वाले में भी आ रहे हैं, यानी कि 10 में ये ऑल वाले भी प्लस करने पड़ेंगे, यानी कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ओनली हॉकी एंड क्रिकेट एज वेल एज ऑल, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 10 + 5। इस बात का यहाँ पे ध्यान दे देना, नहीं तो हो जाएगा फिर गलत, और एग्जामिनर एक स्टेप आप लोगों से आगे है, वो गलत आंसर भी देगा वहाँ पे ऑप्शंस में, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और तुरंत आंसर कर दोगे, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा देख के चल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं भाई फटाफट से, एक सेकेंड मेरे पीछे छुप गया है, देख लो एक बार इसको। पर आज बहुत ही कम स्टूडेंट्स क्यों है भाई? ऑल क्लियर ना? ओके चलिए, एक सवाल मैंने और दिया था आप लोगों को, ये वाला, ये पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि ये सवाल करिए, इसका आंसर किस किस का आ गया था जरा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। पहले तो ये पूछा गया था, इस बार का ही क्वेश्चन है, लास्ट जो पेपर हुआ था आपका जून 2022। कह रहा सपोज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3, इस तरह से अप टू जेड इज इक्वल टू 26 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है ए माइनस एम इंटू डी माइनस एम इंटू सी माइनस एम अप टू एस माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस जेड एम माइनस वाई एम माइनस एक्स अप टू एम माइनस टी। अगर ऐसा किया जाए तो हमको बताइए इसका क्या वैल्यू होगा, और ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, इस तरह से हमको दे रखा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। जरा ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, सवाल आपका कैलकुलेटिव नहीं होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है वहां पे, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। बताएं किस किस का आंसर आया इसका, किया था ऑप्शन 1, ओके 0। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह 1 लगाऊंगा और एम का जो प्लेस वैल्यू अगर देखोगे ना, एम आता है 13th प्लेस पे, यानी कि दिस विल बी 1 - 13, इस तरह से होगा। इस तरह से अगर मैं वैल्यू लगाता रहूँगा लगाता रहूँगा लगाता रहूँगा, तो बीच में एक टर्म ऐसा भी तो आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह एम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सब जगह एम आ रहा है। तो यानी कि इस तरह से ए के बाद डी, डी के बाद क्या आ रहा है सी, इस तरह से ये जो वैल्यू है क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। एक सेकेंड, दिस मस्ट बी बी, सॉरी फॉर दैट, दिस मस्ट बी बी ना, ठीक है। तो इस तरह से बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरह से वैल्यूज इंक्रीज करती हुई जा रही है। अब देखो बीच में एक वैल्यू ऐसी भी तो आएगी एम माइनस एम, हाँ या ना, बताएं बीच में एक वैल्यू एम माइनस एम आएगी कि नहीं, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, बीच में एक वैल्यू आएगी एम, तो एम माइनस एम भी एक टर्म बनेगा, और सारे के सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, एवरी टर्म्स आर इन मल्टीप्लाई। अब क्या करूं, अब नीचे में देखो, नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे एम माइनस जेड एम माइनस वाई एम माइनस एक्स, इस तरह से अप टू एम माइनस टी, ये टर्म्स बनेगा, क्लियर। तो ये टर्म्स अगर देख रहे हो एम 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 एम, सारे टर्म्स एम है, और ये कहाँ से कहाँ तक है टी से टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे के सारे ऐसे टर्म्स है ना,
यानी कि नीचे m माइनस m नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तक टर्म्स हैं, t तक, क्योंकि t के आगे आएगा m, उसके बारे में तो चर्चा कर नहीं रहा है। यानी कि नीचे कुछ भी आ जाए, नीचे हमारा टर्म कुछ भी आ जाए, एनी टर्म एक्सेप्ट जीरो, जीरो तो नहीं आ रहा ना। ऊपर आएगा मेरा m माइनस m, m का प्लेस वैल्यू आपको पता है 13 है, 13 माइनस 13 यानी कि ऊपर बन जाएगा जीरो, और नीचे कुछ भी आ जाए तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, फिर आंसर विल बी ऑलवेज जीरो। तो यानी कि इस तरह से सवाल पूछा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबों को, बताएं। डी नहीं है क्वेश्चन में, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज एक्चुअली बी। वो टाइपिंग एरर होगा इस वजह से, क्योंकि इस तरह से ए माइनस बी माइनस सी इस तरह से टर्म बन रहा है। ये बात क्लियर हो गई सबों को, बताएं मुझे। ठीक है, अगर वैसा भी सवाल होगा तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ए के बाद डी यानी कि एक छोड़ के टर्म हो जाएगा, अल्टीमेटली बनेगा वही। लेकिन जो राइट क्वेश्चन है वो ये है बी माइनस का, यानी कि न्यूमरेटर में आपका टर्म बन गया है जीरो, और डिनोमिनेटर में आपका एक टर्म बन गया है जो कि हमको पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी टर्म बन जाए डिनोमिनेटर में, लेकिन एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो। अगर नीचे भी जीरो बन जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, जीरो बाई जीरो इज अनडिफाइंड, इस चीज़ का ध्यान देना। बात समझ में आ गई। ऊपर एस तक ही आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने ये कहा बीच में जो टर्म्स मिसिंग हैं, देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस तरह से कहीं एम भी तो आएगा बीच में कहीं, क्योंकि यहाँ पे एस तक की बात करी गई है, तो बीच में कहीं एम भी आ रहा होगा। और एम माइनस क्या होगा फिर, एम होगा कि नहीं, ये एम माइनस एम जीरो बनेगा कि नहीं, ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, तो फटाफट से कॉपी और पेन लेके एकदम से रेडी हो जाए। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये स्टार्ट। नीचे जीरो नहीं आएगा ना उसमें, क्योंकि वहाँ पे m माइनस m का कोई भी टर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि वहाँ पे अप टू कहाँ तक बात करी गई, s तक, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा ना, z y x अप टू s, s से पहली, s के पहले आएगा m, ठीक है, यानी कि s से और टर्म्स आगे बढ़ानी पड़ेंगे तभी तो m आएगा, तो m माइनस m वाला टर्म नीचे नहीं बनेगा। देखो ना ये वाला m माइनस जेड है, m माइनस वाई है, यहाँ पे तो m माइनस समथिंग हो रहा है, तो z y x अप टू कहाँ तक है, अप टू t, t के बाद ही तो आएगा आपका m कहीं पे, तो m तो टर्म है ही नहीं वहाँ तक, यानी कि नीचे m माइनस m नहीं बनेगा, तो जीरो भी नहीं आएगा, दैट्स व्हाई इसको करें। इस सवाल को देखिए क्या बोल रहा है, अ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको कैसे किया जाए, थोड़ा सा सोचिए और बताएं।
चलिए, समय हो चुका है समाप्त। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, कह रहा है एन इज अ टू डिजिट नंबर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम इक्वल्स एन। देखो, सबसे पहली बात हम करते हैं अ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। कभी भी आपसे कोई कहेगा टू डिजिट नंबर को किस तरह से मैं लिख सकता हूँ, एक टू डिजिट नंबर को मैं 10x+y की फॉर्म में लिखता हूँ, ये मैंने आपको बहुत बार बताया हूँ। साथ ही साथ कोई कहेगा सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, ठीक है, टू डिजिट नंबर इसको कैसे लिखा जाएगा, x+y, क्योंकि टू डिजिट नंबर के सम के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर अगर बोलेगा दैट विल बी एक्स इन टू वाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर ये पता है तो सवाल आसानी से हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, कह रहा है ये जो एन है ना, कैपिटल एन, एन इज़ अ टू डिजिट नंबर, तो यानी कि एक टू डिजिट नंबर मान लो 10x+y। अब कह रहा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट, इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी एक्स इन टू वाई। ये जो प्रोडक्ट है वैन एडेड, इसको जब एड किया गया टू दियर सम, इसके सम में, सम का मतलब इसके डिजिट के सम में, तो क्या हुआ, कह रहा है सम इक्वल्स एन, ये किसके बराबर हो जाता है, एन के बराबर हो जाता है। और ये एन क्या था, एन वॉज अ टू डिजिट नंबर, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 10x+y। जिस दिन इक्वेशन बनाना आ गया आपको मैथमेटिक्स में, तो सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार पढ़ के समझा करिए। कह रहा है ना अ टू डिजिट नंबर एन सच दैट द प्रोडक्ट, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट व्हेन एडेड टू देयर सम देन इट विल बी इक्वल्स टू एन। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, टू डिजिट नंबर, सिंपल। अब यहाँ से कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ एन, एन का जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या होगा। देखो, दिस इज द यूनिट डिजिट एंड दिस इज द टेंथ प्लेस, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यानी कि वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको कैलकुलेट करो। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वाई और वाई तो कैंसिल हो जाएगा ऐसी, तो बचा आपका टर्म क्या, आपका टर्म बचा एक्स इन टू वाई, और एक्स को उधर ले जाइए तो 10x-x दैट विल बी 9x। एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गया तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, 9। वाई विल बी इक्वल टू 9। सॉल्यूशन छोटा सा है, बस इक्वेशन बनाने की देर। समझ में आ गया सबों को, क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शन नंबर ए क्यों कह रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए पे बहुत आंसर आए, आंसर विल बी 9। ठीक है, इधर क्रिस्टल क्लियर लिख दें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, अगर क्लियर हो गया तो। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक और क्वेश्चन है जो कि इस तरह का डिजिट नंबर्स का एक सवाल करें इसको जरा और बताएं।
यहाँ पे 4 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है। 2 डिजिट नंबर तो पता लग गया, 10x+y होता है, यहाँ पे बात कर रहा है 4 डिजिट नंबर के बारे में। इसको हम करेंगे ऑप्शनल मेथड से, यानी कि ऑप्शंस को देखते ही हम इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल मेथड इस तरह के क्वेश्चन में बेस्ट मेथड होगा, विदाउट कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना है, बस ऑप्शंस को एक एक करके देखना है। अब जरा देखें यहाँ पे, अब आपका सारा फोकस यहाँ पे हो, चूज द 4 डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट, इन चारों में से 4 डिजिट नंबर को हमें चूज करना है, जिसमें द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पहले वाले टर्म को ले लूं, कह रहे जो प्रोडक्ट है ना फर्स्ट डिजिट का और चौथे डिजिट का, इसका जो प्रोडक्ट होगा इज 40, ये 40 होगा, है भी 40, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट्स, यानी कि जो बीच की जो डिजिट्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है 28 होगा, पर है भी इसका 28। अब कह रहे हैं द 1000 डिजिट इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट एज द 100 डिजिट इज लेस देन 10 डिजिट, इसका मतलब समझे, कह रहे जो 1000 डिजिट है, सबसे पहले तो बात है अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ए बी सी डी, ठीक है, दिस इज अ 4 डिजिट नंबर, दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज 10th प्लेस यानी कि 10th डिजिट, दिस इज 100 डिजिट और दिस इज 1000 डिजिट, ये तो समझ में आता है, यूनिट 10, 100 and 1000। कह रहा था 1000 डिजिट इज एज मच लेस देन द यूनिट डिजिट, जो 1000 डिजिट है वो यूनिट डिजिट से उतनी ही छोटी है, उतनी ही छोटी है का मतलब यूनिट डिजिट में से अगर मैं 1000 डिजिट को अगर माइनस करूंगा जो भी इसका डिफरेंस आएगा, एज द 100 डिजिट इज लेस देन द 10th डिजिट, जितना हमारा 100 डिजिट्स कम है किससे, 10th डिजिट से, यानी कि 10th डिजिट माइनस 100 डिजिट करूंगा तो ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस कह रहा बराबर, समझ में आता है, कह रहा 1000 डिजिट इज एस मच लेस, जो 1000 डिजिट है उतना ही छोटा है यूनिट डिजिट से जितना मेरा 100 डिजिट 10th डिजिट से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा। अब देखो ऑप्शनल मेथड से इसको करो, बहुत ही आसान है, अगर आप पहले वाला क्राइटेरिया चेक करोगे कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, तो देखो सॉरी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 40 होना चाहिए और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 28 होना चाहिए, चेक करो 8 5 40 7 4 28, ठीक है, नेक्स्ट वाले को चेक करो 8 5 40 7 4 28, इसमें चेक करो, इसमें चेक करो, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी कि इससे तो हम बता नहीं सकते कौन सा आंसर है, वी कांट टेल बाय दिस प्रोडक्ट, तो यानी कि हमको अब इस पे आना पड़ेगा, इस वाले टर्म पे आना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखो, जो 1000 डिजिट है ये और जो यूनिट डिजिट है ये, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 5 के बीच का डिफरेंस 3, यहाँ पे कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे यानी कि आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट में से 1000 प्लेस को माइनस करना है, यानी कि इस तरह से ध्यान से देखना, 8 - 5 करना है लाइक दिस, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको 10th प्लेस में से 100 प्लेस को माइनस करना है, यानी कि 7 - 4, दोनों से कितना आ रहा है 3, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, बाकियों में चेक करके देखो ऐसा सेटिस्फाई नहीं करेगा, डी का मतलब यहाँ पे 1000 प्लेस और ये है यूनिट प्लेस, देखो यहाँ पे 1000 प्लेस हमारा क्या है, 1000 प्लेस मेरा छोटा है, लेकिन यहाँ पे 1000 प्लेस यूनिट डिजिट से क्या बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया, इसमें चेक करो, इसमें अगर चेक करोगे तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा 3, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें हमारा जो 10th प्लेस है वो छोटा है, लेकिन हमारा 10th प्लेस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सी माइनस बी है ना, इसलिए गलत है, बाकी ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे दोबारा से हमारा ये जो प्लेस है फिर से ये क्या हो गया, ये वाला डिजिट हमारा बड़ा हो गया, यानी कि दिस विल बी द रॉन्ग आंसर, समझ में आ गई बात, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगा कंप्लीटली। एनीवन जिसको नहीं समझ में आया बताएं, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा ऑप्शंस पे आप ट्राई करो।
जो सेटिस्फाई कर जाएगा सारी कंडीशंस को वही हमारा आंसर है। ठीक है, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं भाई जल्दी फटाफट से मुझको। देखो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ा समझने की कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, अगर नहीं आता है तो मुझको बताएं। देखो ये मैंने लिखा है यूनिट प्लेस, ये लिखा है टेंस प्लेस, ये लिखा है हंड्रेड प्लेस, ये लिखा है थाउजेंड प्लेस। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो यूनिट प्लेस माइनस थाउजेंड प्लेस है उसके बीच का डिफरेंस, और जो टेंस प्लेस है और जो हंड्रेड प्लेस है उसके बीच का डिफरेंस दोनों आपस में बराबर होंगे। तो आप सेटिस्फाई करके देखो एक एक करके अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो आप देखोगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर वन ही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब गलत। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब हम करेंगे क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जिसमें हम मीन, मीडियन एंड मॉड। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे ये भी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पहले से, क्योंकि तो जब तक वो नॉलेज नहीं होगी कि क्या होता है मीन, क्या होता है मीडियन मॉड, तो सवाल करने में फिर प्रॉब्लम तो आएगी। हालांकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको बेसिक से भी, लेकिन फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए। करिए इसको भाई, क्या कह रहा है सवाल? ओके ठीक है, मार्क योर आंसर फास्ट। हमको यहाँ पे एक सेट दे रखा है नंबर्स का, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और कह रहा हैज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ सिक्स। इनका अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ छः आता है, और अगर मॉड जिसको मैं बोलता हूँ मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर, वो है हमारा सेवन। देन वी हैव टू फाइंड m into it, the value of m into it। तो हमारा काम है m और n का वैल्यू निकालना और दोनों को प्रोडक्ट करके आंसर बताना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी, m और n आपस में मल्टीप्लाई में, डिसीजन मल्टीप्लाई। अब जरा ध्यान से सुने, हमें नंबर गिवन है 5, 6, 7, एम, सिक्स, सेवन, एट एंड एन। ठीक है, यानी कि दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। हमको आठ नंबर गिवन है और इनका अर्थमेटिक मीन कह रहा है सिक्स है। तो आप सभी को पता है अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, सबों को प्लस करना है, यानी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि एट। आठ डिजिट्स हैं जिनका अर्थमेटिक मीन दे रखा है हमको सिक्स, यानी कि दिस। क्या यहां से मैं एम प्लस एन का वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो कितना हो जाएगा, सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, और सेवन और सेवन फोर्टीन। तो ट्वेल्व ये हो गया, फोर्टीन ये हो गया, बाकी बचा
एट और फाइव, तो एट और ट्वेल्व 20 कर लो सीधे सीधे, और फाइव, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एट को तो 48, एंड बाकी बचा एम प्लस एन। तो यहाँ से एम प्लस एन का क्या वैल्यू आ रहा है देखो, दिस विल बी 25 प्लस 40, यानी कि दिस विल बी 39। तो एम प्लस एन का वैल्यू आ गया मेरे पास 9। ये सभी को समझ में आ गया, एम प्लस एन का वैल्यू आ गया मेरे पास 9। आगे कह रहा है एंड द मॉड, मॉड इज 7। अगर मॉड मेरा 7 है, मॉड का मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर, यानी किसी भी डेटा सेट के अंदर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है नंबर, उसको बोला जाता है मॉड। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 7 दो बार रिपीट कर रहा है और 6 भी दो बार रिपीट कर रहा है, तो यानी कि मॉड तो 6 भी हो जाएगा, यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, लेकिन कह रहा है मॉड 7 है। अगर मॉड, अगर मुझे 7 लाना है, इसका मतलब m या n में से एक नंबर 7 होना चाहिए, तभी तो वो ज़्यादा बार अकर करेगा एज कम्पेयर टू 6। 6 भी दो बार आ रहा है अभी, 7 भी दो बार आ रहा है, यानी कि m और n में से एक नंबर यहाँ पे 7 होगा, तभी ये मॉड कहलाएगा। यानी कि आइदर m इज 7 और n इज 7। तो मैं मान के चलता हूँ m का वैल्यू 7 है। अगर m का वैल्यू 7 है तो यहाँ से मुझको बताएं n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 यानी कि 2। तो m इज 7, n इज 2, then what will be m into n, 7 into 2 यानी कि 14। m का वैल्यू 7 माना है मैंने, m का वैल्यू यहाँ पे n की जगह 7 मान सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अगर आप n की जगह 7 मान लो तब आपका m 2 आ जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा 40, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रहा है? तो ये पता होना चाहिए कि मॉड का मतलब होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर, यानी कि जो बहुत बार रिपीट करता है, सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है किसी भी डेटा सेट के अंदर वैल्यू, इट्स कॉल्ड मॉड। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन रिपीट कर दूँ क्या एक बार, देखो जल्दी से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुने। ये हमारे पास एक डेटा सेट है 8 नंबरों का, हमको कह रहा है इसका मीन 6 है, तो सबसे पहले हमने इसका मीन निकाल के 6 के बराबर रख के एम प्लस एन का वैल्यू निकाल लिया, एम प्लस एन का वैल्यू आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन में कह रहा है जो मॉड का वैल्यू है वो 7 है। देखो मॉड का वैल्यू 7 तभी हो सकता है जब 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे 6 दो बार रिपीट कर रहा है और 7 भी दो बार रिपीट कर रहा है, तो 7 अभी तो मॉड कहलाएगा नहीं, क्योंकि वो दो दो बार आ रहे हैं दोनों लोग। तो 7 तभी मॉड कहलाएगा जब m या n में से एक वैल्यू एटलीस्ट 7 होगी, तभी तो वो एक ज्यादा बार रिपीट करेगा, तीन बार रिपीट करेगा, तभी वो मॉड कहलाएगा। यानी कि मैं मान लेता हूँ m या n में से एक वैल्यू 7 है, मैंने मान लिया लेट से m इज इक्वल टू 7, m का वैल्यू 7 है तो n का वैल्यू निकाले यहाँ से 2 आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 14, That will be the answer. Simple. करिए से एवरेज का क्वेश्चन है ये, दिस इज फ्रॉम एवरेज।
ओके व्हाट वॉज द रेनफॉल इन 2000, 2002 में कितना रेनफॉल हुआ है, ये हमको सवाल में पूछा गया। अब देखें सवाल, द एवरेज रेनफॉल ओवर अ गिवन प्लेस ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड ऑफ 2003 टू 2005 वॉज 65 सेंटीमीटर, यानी कि 2003 से लेके 2005 तक जो एवरेज रेनफॉल है वो 65 सेंटीमीटर है। ड्यूरिंग द 3 ईयर पीरियड 2002 टू 2004 द एवरेज रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर। ओके द एक्चुअल रेनफॉल ड्यूरिंग 2005 वॉज 60 सेंटीमीटर, देन व्हाट वॉज द रेनफॉल इन 2002। देखो अगर मैं बात करूं 2002, 2003, 4 और 5 के बारे में, तो यहाँ पे कह रहा है 2002 से लेके 2004 तक जो रेनफॉल है वो 63 सेंटीमीटर का एवरेज रेनफॉल। एवरेज का मतलब समझते हैं, अगर मैं मान लूँ 2002 में बारिश हुई है ए सेंटीमीटर, 3 में हुई है बी, 4 में हुई है सी और डी में 5 में हुई है यहाँ पे डी, लेकिन एक्चुअल में जो 5 का जो रेनफॉल है वो हमको गिवन है कि 2005 में कितना रेनफॉल हुआ है, कितना हुआ है भाई 60 सेंटीमीटर, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 60 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से सुने, 2002 से लेके 2004 तक का जो एवरेज है दैट इज 63, तो यानी कि 2002 में ए, 2003 में बी और 2004 में सी, इन तीनों का जो एवरेज रेनफॉल है दैट इज 63 सेंटीमीटर, सिंपल। उससे पहले कह रहा है 2003 से लेके 2005, 2003 का मतलब बी, 2004 यानी कि सी और 2005 यानी कि 60, इनका जो एवरेज है वो 65 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमसे कह रहा है 2002 का रेनफॉल बताओ, 2002 का रेनफॉल का मतलब ए का वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको ए का वैल्यू निकालना है, कैसे करूं देखो, यहां से कि मैं काम कर सकता हूं कि यहां से बी प्लस सी का वैल्यू निकाल लूं और यहां पे बी प्लस सी का वैल्यू पुट कर दूं और ए का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो क्वेश्चन की जो इक्वेशंस है अगर आप कॉपी पे लिखोगे ना तब खुद ब खुद आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो आप लोग जितना भी डेटा दे रखा है उसको पहले लिखा करो तब समझ में आएगा। अब देखो बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ दिस विल बी बी प्लस सी प्लस 60, दैट विल बी इक्वल टू 65 × 3 195, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 195 - 60 यानी कि दिस विल बी व्हाट 30, ठीक है 135। अब इस वाली इक्वेशन में आइए, इस वाली इक्वेशन में ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डायरेक्टली लगा दो 135 और 3 × 63, तो ए का वैल्यू क्या आया 189 - 135 यानी कि 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन का जो मैप है वो पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, तो एक बार इसको देखिए और फिर बताइए, इज इट क्लियर। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए से, टेक योर टाइम,
ये सभी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ मिल रहा होगा टेलीग्राम पे, ठीक है, रेगुलर आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है, वहाँ से कलेक्ट कर लिया करिए। ठीक है, और बताएं भैया आंसर फटाफट। आज के क्लास का सबसे आसान सवाल, देखो सवाल आसान है, इसको और आसान बना लेते हैं, कैसे, जरा ध्यान से देखना। सवाल हमसे कह रहा है, अ स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग मार्क्स इन द 5 of 6 courses, 6 courses वो खरीदता है, तो 6 courses के एग्जाम अगर वो देता है, उनमें से 5 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इतने आए। कह रहा है द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट इज 85। सारे 6 के 6 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 85 है, तो हमको बताइए हाउ मेनी मार्क्स डिड ही रिसीव इन द 6 सब्जेक्ट, यानी कि 6ठे सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स आए। जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ उसका जो एवरेज है वो 85 है, राइट, हिज एवरेज इज 85, पहले सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए हैं कितने, 91, यानी कि एवरेज यहां पे है उसका, मार्क्स आए उसके 91। सेकंड सब्जेक्ट में उसके मार्क्स आए 86, यानी कि एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। यहां पे आए उसके फिर 81, यानी कि एवरेज से नीचे। फिर आए इसके 79 एंड देन 92। हमको ये बताना है उसके 6ठे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। जरा ध्यान से देखना कि एवरेज लाइन से इसके कितने मार्क्स ऊपर है, भाई 6 नंबर ज्यादा है, इसके कितने ज्यादा है भाई, +1, यानी कि 1 नंबर ज्यादा है। यहां पे कितने नंबर कम है, 4 नंबर कम है। यहां पे बताइए, यहां पे 6 नंबर कम, यहां पे कितने नंबर ज्यादा, 5 और 6 7, यानी कि 7 नंबर ज्यादा। बात समझ में आती है सबों को। अब जरा इनको ध्यान से देखो, ये है +6, ये है +1, ये है -4, ये है -6 और ये है +7। कितना हो गया, ये -6 +6 कैंसिल हो गया, और 7 और 1 8, 8 माइनस 4 यानी कि प्लस का 8, सॉरी यानी कि प्लस का 4। कितना आया भाई, आया इसका प्लस का 4, यानी कि इसका जो एवरेज है, जो एवरेज वैल्यू है 5 सब्जेक्ट की, वो 4 ज्यादा है। किससे 4 ज्यादा है, एवरेज मार्क्स से, यानी कि जो 6ठे सब्जेक्ट में उसके मार्क्स होंगे, मार्क्स इन
सब्जेक्ट मार्क्स इन सिक्स, सब्जेक्ट विल बी कहाँ पे होगा उसका सब्जेक्ट, कहीं नीचे होगा, कितना नीचे, -4 नीचे, यानी कि 85 से 4 नीचे, यानी कि 81, क्योंकि ये +4 आ रहा है ना, तो +4 एक्स्ट्रा है, वो +4 -4 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं, दैट्स वाई इट इज एवरेज मार्क्स -4, यानी कि 81। ये समझ पाते हैं? अगर ये समझ में आता है तो देखो कैलकुलेशन से कितना बच गया आप, नहीं तो फिर रेगुलर मेथड है। अगर ये नहीं समझ में आता है, सबों को प्लस करो और 6 से डिवाइड करो, एवरेज के बराबर रखो, एक्स का वैल्यू निकालो, ठीक है? तो दिस इज द राइट मेथड और विदाउट कैलकुलेशन। जो मुझसे यहाँ पे कहता है कि सर विदाउट कैलकुलेशन बताएं, तो विदाउट कैलकुलेशन यहाँ पे किया, बिल्कुल सीयूटी पीजी के लिए बिल्कुल हेल्पफुल है, क्योंकि एप्टीट्यूड तो हर जगह एक जैसा रहता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो फायदा आपको मिलेगा। ये समझ में आ गई बात? जो एवरेज मार्क्स है ना, उससे देखो कितना ऊपर या नीचे, तो जितना भी लास्ट में आपका कैलकुलेशन करके, यानी कि इस छोटा सा कैलकुलेशन करके जो भी सम आया, 4 आया, यानी कि एवरेज में से 4 को माइनस करना है। अगर ये माइनस में होता तो आप उसको प्लस कर देते, सिंपल। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूँ ना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया। हमसे सवाल कह रहा है कि जो एवरेज स्कोर है 6 सब्जेक्ट्स का वो 85, बाकी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हमको दे रखे हैं 91, 86, 81, 79 एंड 92। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसके जो मार्क्स हैं एवरेज मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं, 6 ज़्यादा है, यहाँ पे 1 ज़्यादा है, यहाँ पे 4 कम है, और यहाँ पे 6 कम है, और यहाँ पे 7 ज़्यादा है। इन सबों को अगर मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने पाया दिस इज +4, यानी कि मेरे जो मार्क्स हैं 6 सब्जेक्ट में वो क्या होने चाहिए, एवरेज से नीचे होने चाहिए। जब एवरेज से नीचे होगा तभी तो ये +4 और वो -4 आपस में कैंसिल आउट होके 0 बनेगा। हमको 0 बनाना है, यानी कि इस लाइन पे स्टिक रहना है, इस लाइन पे हमें रहना है, दैट्स वाई वी हैव टू मेक दैट नंबर 0। यानी कि अगर यहाँ पे +4 आ रहा है, यानी कि वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम दिस एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू से 4 को हमें माइनस करना पड़ेगा। बाई चांस अगर माना यहाँ पे प्लस माइनस का 7 आता, अगर इसको सॉल्व करके -7 आता, तो आप क्या करते, 85 में 7 को फिर प्लस कर देते, तो माइनस आएगा तो प्लस करना है, प्लस आएगा तो वहाँ पे एवरेज से माइनस करना, सिंपल, ठीक है? नहीं तो फिर आपका रेगुलर मेथड है फिर, क्योंकि मैं उसको प्रिफर नहीं करूँगा कि आप ऐसे करो उसको, सबों को पहले प्लस करो और प्लस छठे सब्जेक्ट को एक्स मान लो, डिवाइड बाय 6 करो और एवरेज के बराबर रखो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई करो, सबों को प्लस करो फिर माइनस करो, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? अगले सवाल पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। करें इसको, एप्टीट्यूड के लिए अलग से कोर्स किया है या आपका सब्जेक्ट था? देखो एप्टीट्यूड के लिए तो अगर बात करी जाए, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, खासकर बात करी जाए SSC बैंकिंग, वहाँ पे तो यही चीज़ आता है सब, यानी कि पूरा का पूरा प्योर एप्टीट्यूड, और वहाँ पे जो लेवल होता है एप्टीट्यूड का,
दैट इज फैंटास्टिक। तो वहां पे भी मैंने काफी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है बैंकिंग एसएससी में। तो वहाँ भी स्टूडेंट्स जो उनका एप्टीट्यूड है, क्योंकि उसमें तो पूरा एप्टीट्यूड ही रहता है आपका, क्योंकि उसमें वही आता है, कोई कोर सब्जेक्ट की बात वहाँ पे नहीं होती है। तो आप अगर एक बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लोगे, जैसे कि एसएससी बैंकिंग या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का, तो आपको एप्टीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि उसमें आप दिन रात वही करोगे। लेकिन यहाँ पे आपका बस एक पार्ट है छोटा सा। ऑप्शन टू। ओके, और बताएं भाई। वन के जी। ओके ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन को करना ही मेन चीज़ नहीं है, क्वेश्चन को समय के अंदर बनाना और राइट अप्रोच से बनाना वो मेन चीज़ है। सबों का आंसर कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर टू, वन के जी वन के जी वन के जी। ओके देखिए, हमसे कह रहा है वेट ऑफ 13% आर दिस, 13 लोगों का जो वजन है वो हमको दे रखा है, 70, 72, 74, 76, 78, 80 up to 94। आप अगर देखोगे ध्यान से, सबके वेट के बीच में जो गैप है, दो दो किलो का गैप है। देखो, 2 किलो 2 किलो 2 किलो का बीच में गैप दिख रहा है 13 लोगों का। क्या मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूँ? क्या मैं इनका एवरेज वेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, अभी बताऊंगा कैसे। अब आगे कह रहा है, टू न्यू पर्सन हैविंग वेट 100 kg एंड 79 kg ज्वाइन द ग्रुप। इन 13 लोगों में 2 लोगों को और मुझे जोड़ना है, तो टोटल मिला के 15 लोग हो जाएंगे। तो कह रहा था एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाई हाउ मच kg, जो इन 2 लोगों को अगर मैं शामिल कर लूंगा इन 13 लोगों में, तो बताइए उनका जो एवरेज वेट है कितने से बढ़ जाएगा। पहले इनका तो एवरेज वेट हमको पता लग जाए, तभी तो मैं बता पाऊंगा कितने से बढ़ेगा। सुनिए, इन 13 लोगों का जो एवरेज वेट होगा वो कैसे आएगा? जैसे कि मैं आपसे कहूंगा 1, 2, 3, 4, 5, इनका एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे एवरेज हो जाएगा इसका 3। 1, 2, 3, 4, 5 का एवरेज क्या हो जाएगा? 3, यानी कि जो मिडिल वैल्यू होती है दैट इज द एवरेज। जब भी आपका जो गैप इक्वल होता है, गैप कितने का है? 1, 1, 1 का है, बीच का जो मिडिल वैल्यू होता है उसका दैट इज द एवरेज। अब वैसे ही मैं कहूंगा बताओ 3, 6, 9, 15, इसका एवरेज बताओ, तो आप बोलोगे एवरेज विल बी 9, जो बीच का जो नंबर होता है दैट इज द एवरेज। इसी के बारे में मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। अभी 13 नंबर है, इनका जो एवरेज हो जाएगा, इसका जो मिडिल वैल्यू है, 13 का मिडिल वैल्यू कहाँ पे आएगा? मिडिल वैल्यू आएगा 7th प्लेस पे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 82 इज द एवरेज। इसके इधर भी 6 नंबर है, इसके इधर भी 6 नंबर है, तो मिडिल वैल्यू इज 82, यानी कि एवरेज इज 82। बात समझ में आती है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये 13 लोगों का एवरेज है, ठीक है, 13 persons एवरेज। अब इस एवरेज से जो नया एवरेज है कितने से बढ़ जाएगा, अब हमको वो निकालना। अब देखो, एक 100 किलो का आदमी चलता हुआ आता है और कहता है मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लो, तो कहते हैं ठीक है आ जाइए आ जाइए, लेकिन आपका वेट एवरेज वेट से 18 किलो ज़्यादा है, तो इस 18 किलो को कहीं पे रख के आइए और बाकी हमारे ग्रुप में आके जुड़ जाइए। हमारे एवरेज को कभी भी चेंज मत करिए, हमारा एवरेज 82 है, इसको 82 ही रहने दो, बाकी अपना जो वेट है बाकी 18 किलो कहीं रख के आओ। तो कहता ठीक है, 18 किलो रख के आ गया, बाकी 82 kg लेके
इस ग्रुप में शामिल हो गया तो एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब तक हम इसमें 82 ऐड करते रहेंगे एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एवरेज हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे इनका एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ा, अब एक पर्सन यहाँ पे और ऐड हो गया यानी कि नाउ देर आर 14 पर्सन। अब एक 79 केजी का पर्सन चल के आता है, कहता है मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। कहता है नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो वेट है वो 79 केजी है जो कि 3 किलो कम है हमारे एवरेज वेट से। तो इनका जो एवरेज वेट है वो है 82, आपका वेट है 79, तो 3 किलो कहीं से लेके आओ और फिर इस ग्रुप में शामिल हो जाओ। कहता है लेके तो आ जाऊंगा, बाद में मैं 3 किलो आपको दे दूंगा, जो शॉर्टेज है 3 किलो की वो मैं बाद में पूरी कर दूंगा, लेकिन अभी ग्रुप में मुझे शामिल कर लो। कहते ठीक है चलो। टोटल 15 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 82 ही रहेगा, बाकी ये जो साइड में कैलकुलेशन है इसको हम बाद में करते रहेंगे। यानी कि 15 लोगों का जो एवरेज है वो 82 है। अब जो नया एवरेज है, न्यू एवरेज है, वो कैसे आएगा? जो मेरा पुराना एवरेज है उसी में कुछ प्लस माइनस मुझे करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो, इसका 18 किलो एक्स्ट्रा वेट है, इसका 3 किलो शॉर्ट वेट है, तो कुल मिला के कितना ओवरऑल वेट हो जाएगा? 15 किलो। यानी कि ये जो 15 किलो एक्स्ट्रा वेट है इसको मुझे 15 लोगों में बराबर तरह से बांटना है। यही तो एवरेज होता है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 15 किलो का वेट 15 लोगों में अगर मैं बांटूंगा तो सबों के खाते में एक एक किलो आएगा कि नहीं? सभी को एक एक किलो वेट मिल जाएगा, यानी कि जो एवरेज वेट है एक किलो से बढ़ जाएगा। यानी कि न्यू एवरेज विल बी 82 प्लस 1 यानी कि 83 के जी। कितने से बढ़ गया है भाई? एक किलो से। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आई? विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट एनी हेडेक, हम इस सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। एवरेज बहुत ही शानदार टॉपिक, अगर समझ में आ गया तो कैलकुलेशन की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ने वाली है। इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बताएं फटाफट से। ओके ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। और सेशन अगर पसंद आता है तो आप सेशन को लाइक भी करें, जिससे यही एक मोटिवेशन का रीजन है हमारा। चलिए क्या कह रहा है सवाल इसको देखें। बिल्कुल, हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम परसेंटेज जब करेंगे ना। क्या कह रहे हो क्वेश्चन? परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है? देखो परसेंटाइल का बेसिकली क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका 99 परसेंटाइल आया, यानी कि यू आर, आप लोग 100 में से, अगर 100 में से बात करूँ तो 99 स्टूडेंट से आगे हो, ठीक है? यानी कि आप टॉप 1% में लाइक कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है। अगर आपका 99.5 परसेंटाइल है, इसका मतलब आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से 99.5 स्टूडेंट्स से आगे हो, यानी कि आप टॉप 0.5 स्टूडेंट्स में से, दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल, ठीक है? तो इस सवाल को करें और मुझे बताएं।
यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर सवाल एक जैसा नहीं होता है, कहीं कहीं कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो यू हैव टू जस्ट रेडी फॉर दैट। इसके लिए आप लोग रेडी रहें हमेशा। हमको बेसिकली बताना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, यानी कि वी हैव टू फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड। फिर उसको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन। आप लोग मॉड और मीडियन तो इजीली निकाल सकते हो देख के। बाकी बात रही मीन की, वहां पे यू हैव टू कैलकुलेट, आपको वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज दिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू। ओके आंसर ऑप्शन नंबर वन। ओके देखो मीन के बारे में बात करूंगा मैं बाद में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं मॉड और मीडियन के बारे में। मॉड का मतलब आपको पता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर या मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट जो कर रही है वो वैल्यू आपको सीधे सीधे दिख रही है यहाँ पे, कौन 70, चार बार रिपीट कर रहा है यानी कि मॉड विल बी 70, सिंपल सी बात है। बात करी जाए मीडियन की, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। ये जो डेटा है आपका ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ है उसका जो मिड वैल्यू होगा दैट विल बी द मीडियन। कितने नंबर से, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नंबर है, उसका जो मिडिल वैल्यू होगा दैट विल बी, मिडिल वैल्यू होगा कौन सा, आठवां नंबर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एन प्लस वन बाई टू वाला, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ऑड के लिए फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। यानी कि एट्थ वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 82 इज द मीडियन। मॉड पता लग गया, मीडियन पता लग गया, नाउ वी हैव टू फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए आपको सबों को प्लस करना पड़ेगा, इसके अलावा यहां पे कोई भी और दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है। सबों को प्लस करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा और आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर से, यानी कि 15 नंबर है, तब आपको निकालना पड़ेगा टोटल मीन। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली देखो यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो सबों को प्लस किया पहले, हर एक नंबर को आपने पहले प्लस किया है इस तरह से, और 15 से यहाँ पे डिवाइड किया है, ये सारे के सारे 15 मिला के आ रहा है। नहीं, कुल कैलकुलेट अगर करोगे तो दिस विल बी 89.13, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे सबों को प्लस करके 15 से डिवाइड करोगे, दिस विल बी 89.13। कंपेयर करो सबसे बड़ा कौन, मीन, मीन से छोटा कौन, मीडियन, और मीडियन से छोटा हमारा मॉड, ठीक है। यानी कि मॉड, मीडियन एंड मीन, ऑप्शन नंबर वन। इज इट क्लियर? हाँ राइट। ये देखो कैलकुलेशन अगर देखना है तो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस।
नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल क्या कहता है देखें। अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 65 एंड 25 रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर दीज टू नंबर्स। सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ऑप्शनल मेथड से करिए इसको, ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से सोचिए। चलिए देखें, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स आर 65 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। अर्थमेटिक मीन पता है ना आपको, दो नंबर है अगर ए और बी, इसका मैं आपसे पूछूं अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप बोलोगे अर्थमेटिक मीन का मतलब है दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई टू कर दो, दिस इज अर्थमेटिक मीन। एंड वट इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है दोनों नंबरों का आप प्रोडक्ट कर दो और उसका रूट कर दो, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि दोनों नंबरों के रूट का, यानी कि प्रोडक्ट का रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है ये 65 के बराबर है और ये 25 के बराबर है ज्योमेट्रिक मीन, हमको बताइए दो नंबर क्या होंगे, यानी कि ए और बी का वैल्यू बताओ। ऐसा जब भी सवाल होगा आप ऑप्शनल मेथड से करो, कैसे जरा ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपसे ए प्लस बी कितना आएगा, तो आप बोलोगे 65 इंटू टू यानी कि 130, और यहाँ से अगर मैं a इंटू बी पूछूँ तो आप कहोगे इसका दोनों साइड होल स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ दिस विल बी a इंटू बी, दैट विल बी इक्वल टू 625, यानी कि a इंटू बी का वैल्यू 625 आ रहा है। तो ऑप्शन से देखो कि कौन से दो नंबर हैं जिनका सम 130 आ रहा हो और प्रोडक्ट उनका 625 आ रहा हो। देखो प्लस करके तो 130 आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करके 625 आ रहा है, नहीं आ रहा है। आगे इसको ट्राई करो, 130 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 625 आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। प्लस करोगे तो 130 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 भी आएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, तो इक्वेशन को सॉल्व मत करना, सॉल्व करोगे तो समय लग जाएगा बहुत। क्लियर, ओके। क्या 90 होगा भाई? 90 तो इन दोनों का सम थोड़ी करना है, हमको बताना है, ये तो हमको अर्थमेटिक मीन दे रखा है 65, सिंपल सी बात, हमको कह रहा है अर्थमेटिक मीन 65 है और ज्योमेट्रिक मीन 25 है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब, अगर मैं मान लूँ दो नंबर है ए और बी, इनका अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू करके 65 के बराबर आता है,
तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू 130 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 25, यानी कि रूट ऑफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैंने ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूँ, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करने से क्या होगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा और यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी कि 625 आ जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह से क्लास का टाइमिंग 11 AM रहता है मेरा, 11 बजे 11 AM ऑन एप्टीट्यूड चैनल, ठीक है, एप्टीट्यूड चैनल पे क्लास रहता है। तो आप लोग सभी लोग इसको लाइव अटेंड किया करो, तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, नहीं CSIR में कैलकुलेटर इस बार नहीं मिला था आप लोगों को, तो होपफुली अब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेटर की कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो किसी के लिए भी नहीं रहेगा, तो आप कैलकुलेशन की फिक्र ना करो, क्योंकि आप अगर कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है ऐसे ही कैलकुलेशन आपको देगा जिसमें आप इजीली कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेटर की ज़रूरत तब पड़ेगी और तभी दिया जाएगा जब ऐसे सवाल आएंगे वहाँ पे, या फिर बिना कैलकुलेटर के यानी कि रूट अंडर रूट इस तरह से पॉइंट्स में अगर निकालना होगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं दे रहा इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि नहीं मिला था लास्ट टाइम भी, इस बार सोचा था बहुत से स्टूडेंट्स से मिलेगा लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ था। 9 PM पे भी क्लास है क्या आपकी? 9 PM पे कोई क्लास नहीं है, ये जो सेम लेक्चर हमारा प्रीमियर होता है अलग चैनल पे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम करते हैं, इस सेशन को इतना ही रखते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, बहुत ही शानदार सवाल है, तो इसको करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, फिर इसको कल डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं इसका PDF आप ले लिया करो टेलीग्राम ग्रुप से, एक बार फिर से देखा करो, साथ ही साथ खुद से कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल को लगाओ, यही एक तरीका है एप्टीट्यूड को सुधारने। ठीक है, चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल, ठीक है, राइट, ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप फोकसिंग ऑन योर नेक्स्ट टारगेट दैट इज CSIR नेट। ओके, थैंक यू सो मच। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्रैक कर लें, और आप कर भी सकते, ठीक है, थैंक यू।